Welcome back to Study Life. In this session, we are going to have a quick revision of chapter number 2, 11th standard, which is Systematics of Living Organisms. Now, in this chapter, we are going to see how beautifully the entire kingdom of organisms, which is the diversity of organisms on the earth they are properly placed in groups which is nothing but called as classification so our main topic in this chapter is going to be about the classification wherein the huge diversity of living organisms which we have on earth they are placed in separate groups and categories so let us see the chapter in quick revision so there is a great diversity of organisms around us. Now, these organisms, they are of variety of types. We have crore of species of plants and crore of species of animals. So, it is very difficult to remember about them. It is very difficult to remember about them because there is so much of variety. So, for this, for differentiating about this different varieties or groups, we have the method of classification which is uh, back from ancient time when indian greek and roman philosophers have contributed to uh, their methods so we have this method of classification since a very long back which is the ancient time now let us see what is the meaning of the word systematics now in this we are going to see the kind and diversity of organisms and they are comparative and evolutionary relationship, which means this is the definition of systematics, wherein we are seeing the kind, which means what are their types, their diversity, which means how they have variety, and their comparative and evolutionary relationship. So, this is all we are going to see in this topic of systematics. Jabi hamlook taxonomy word in taxonomy. टैक्सोनोमी का मतलब क्या है सिंपल क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग अलग अलग जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो वी कैन सी अलग अलग बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट के shelf, अलग अलग सब्जेक्ट के बुक्स अलग अलग शेल्फ में प्रेजेंट होते हैं कोई भी मिक्सिंग नहीं है उससे क्या हो जाता है बाद में वी इट इज़ ईजियर फॉर अस टू रिमूव दैट बुक वेरी क्विकली सो इन दैट सिमिलर वे क्या होता है जो तो अर्थ पे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया गया है सो यर टैक्सोनॉमी वर्ड मीन्स क्लासिफिकेशन नाउ दिस वर्ड टैक्सोनॉमी हैज़ कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जब टैक्सॉन बोलेंगे उसका मतलब है अरेंजमेंट एंड नॉमी बोलेंगे मीन्स अकॉर्डिंग टू अ रूल और अ लॉ मतलब अरेंजमेंट किया एक प्रॉपर रूल या लॉ फॉलो करके किसने किया ये वर्ड दिस वर्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय दीप साइंटिस्ट नेम एज ए पी डी कॉन्डोल ही वॉज अ स्विस बोटनिस्ट नाउ लेटस्ट सी क्लासीफिकेशन जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया अबाउट अ लाइब्रेरी दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासीफिकेशन जिसमें अरेंजमेंट किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिस्टिंग कैटेगरीज इन अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर एंड अ वेल एस्टैब्लिश प्लान सो ये डेफिनेशन है क्लासीफिकेशन का अभी आप देखोगे क्लासिफिकेशन हर एक चीज़ में ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इतने इफ़ वी हैव टू सर्च सो मेनी वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एक पर्टिकुलर वर्ड आपको बोला ये वर्ड का मीनिंग ढूंढिए, उस वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए पूरी की पूरी डिक्शनरी तो हम पढ़ नहीं सकते सो so, जब भी क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू ईच ईच अल्फाबेट एंड दी वर्ड बहुत इजी हो जाता है हमें वो वर्ड डिक्शनरी में ढूंढने के लिए वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है तो अगर वो ग्रुप में है डिस्टिंग कैटेगरीज में है तो इट बिकम्स वेरी ईजी उसको उसके बारे में पता करना एंड उसके बारे में स्टडी करना वी हैव अ बिग क्राउड ऑफ बिग बॉयज एंड गर्ल्स मिक्स सपोज थ्री हंड्रेड बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर बॉय सपोज वी हैव टू सर्च हु इज हैज दी मोस्ट हाइस्ट परसेंटेज बॉय एंड किसको मोस्ट हाइस्ट परसेंटेज गर्ल है सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला लड़का एंड सबसे ज्यादा परसेंटेज वाली लड़की तो अभी इतना बड़ा ग्रुप है उसमें से ढूँढना सपोज वी हैव थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड चिल्ड्रेन मिक्स तो कैसे हम लोग उसको ढूंढेंगे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन मेथड यूज़ करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा कैसे अगर हम बोलेंगे बॉयज़ टूअर्ड्स माई राइट एंड गर्ल्स टुअर्ड्स माई लेफ्ट करेक्ट तो उससे क्या हो जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग पले हो जाएंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन में अगर खड़ा कर दिया अकॉर्डिंग टू देर परसेंटेज सबसे आगे कौन रहेगा हाईएस्ट परसेंटेज वाला सो so, इतना सिंपल मेथड था जब भी हमने क्लासिफिकेशन किया तो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमोंग दी ऑर्गेनिजम्स जैसे गर्ल्स सब सिमिलर है तो एक साथ में बॉयज सब सिमिलर है तो एक साथ में वैसे ही जितने भी रेप्टाइल्स हैं और हाउ मेनी एव्स वी हैव और और वी हैव स्पाइसिस विच इज फिशेज दे आर ऑल्सो प्लेस्ड इन सर्टन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स फर्स्ट वन इज़ द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नाउ दिस इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल है तो इसका मतलब क्या है जो दिख रहा है दिख रहा है मतलब क्या है जो ऑब्जर्वेबल है एंड नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स नॉन एवोल्यूशनरी मीन्स इसमें कुछ नहीं देखा जाता है हु वॉज द एनसेस्टर एंड ऑल दैट इज नॉट सीन सो बेस मेन फोकस रहता है जो दिख रहा है कौन से फीचर्स देखे जाते हैं जैसे उनका हैबिट क्या है उनका कलर उनका फॉर्म

रादर देन बींग सिलेक्टेड फॉर convenience लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट means उसका सिग्निफिकेंट फीचर क्या है जैसे अगर हम लोग पाइसिस बोलेंगे सो दे आर सिग्निफिकेंट फीचर इज दे आर एक्वेटिक विच इज लिविंग इन वॉटर हु हुड गिवन दिस दिस वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द थर्ड वेरी बेसिक वन जो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन का मेथड है विच इज फाइलोजेनेटिक इसमें क्या किया जाता है देखा जाता है पूर्वज कौन है किससे इसका uh, कौन कैसे इनकी पीढ़ी आगे बढ़ी है विच मीन्स इट इज बेस्ड ऑन कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंट एंड दैट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय एंगलर एंड प्रांटिल्स सो दीज आर दी थ्री मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ आर्टिफिशियल नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक ना ओवर यर यू कैन सी इन फाइलोजेनेटिक डिसेंट वॉट इज डन इज दिस इज द कॉमन एंसेस्टर कॉमन एनसेस्टर से एक सिंगल ब्रांच जा रही है उसके बाद में देखा जा रहा है फर्स्ट में डिवाइड हो रहा है विच इज़ द बैक्टीरिया तो ये बैक्टीरिया अलग ग्रुप में आया देन ये एक सिंगल ग्रुप में जा रहा है ये इसमें कौन आता है प्रोटिस्टा जिसके अंदर आगे बाइफरकेट हो रहा है इंटू टू ब्रांचेस आर की एंड यू कैरियोटा इट इज यू कैरियोटा तो दिस इज़ अबाउट दी फाइलोजेनेटिक डिसेंट now इन दिस थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ हमें क्या देखना है इन दिस थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ वी आर गोइंग टू सी अबाउट लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई और दे हैड टू डू अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल जिससे क्या हो गया मोर एंड मोर परफेक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ केम ऑन दी अर्थ विच मीन्स जो सबसे पहले लाइफ आई थी अर्थ पे ऑब्वियसली दैट वॉज नॉट परफेक्ट तो उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिससे आज हमें एकदम परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ मिल रही है नाउ दिस स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस दिस स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस इज एवोल्यूशन एवोल्यूशन का मतलब क्या है जिधर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया है स्ट्रगल किया है स्ट्रगल करने के साथ उनमें क्या है बहुत सारे चेंजेस और यही चेंजेस को क्या कहा जाता है एवोल्यूशन जिससे डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे जब भी हम लोग ने देखा दैट अ सिंपल जिराफ हैड टू स्ट्रगल अपना नेक ऊपर कर कर के पेड़ से पत्ते खा रहा था तो उससे क्या हो गया उनकी जनरेशन दर जेनरेशन में क्या हो गया नेक टॉल होता गया एंड नाउ वी नो द नेक ऑफ द जिराफ इज सो लॉन्ग सो हु प्रपोज दीज थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ नाउ इट वॉज कार्ल वॉयस इन नाइनटीन नाइनटी

मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेज बिकॉज ऑफ सर्टन कीमो विच इज केमिकल्स दे हैव डिफरेंस इन द्रक्चर ऑफ सर्टन कंपाउंड प्रेजेंट अमोंग दी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है उनके अंदर ऐसा एक कोई केमिकल कंपाउंड है जो बहुत ही अलग है जैसे आर्की का सेल वॉल वो बिना पेप्टीडोग्लाइकेन के है विदाउट पेप्टीडोग्लाइकेन एंड प्रो कैरिया का पेप्टीडोगोग्लाइके से बना है एंड यू कैरिया विच इज़ फंग उनमें काइटेनियस सेल वॉल है एंड प्लांट्स के पास सेल्यूलोसिक cell वॉल है तो क्या दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे बेस्ड ऑन सर्टन केमिकल कंपाउंड देर इज डिफरेंसेज आर की क्या है विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन प्रो कैरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन है यू कैरिया में फंगाई में काइटेनियस सेल वॉलॉल है एंड प्लान्ट के पास किसका है सेल्यूलोसिक सेल वॉल न्यूमरिकल टैक्सोनोमी न्यूमरिकल वर्ड बोला तो इसमें क्या होगा नंबर सो इट इज़ एन एल्गोरिदम सो so, इसमें क्वांटिफिकेशन किया जाता है क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर सिक्स मतलब नंबर देखा जाता है एंड डेवलप्स एन एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन नाउ दिस सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय सोकेल एंड स्निथ सोकेल एंड स्निथ इन द नाइनटीन 1963 क्लैडोग्राम वर्ड का मतलब क्या है एक जस्ट एक ब्रांचिंग पैटर्न है जैसे हम लोग एक फैमिली ट्री बनाते हैं वैसे ही एक क्लैडोग्राम टाइप का पॉइंट है इसमें क्या किया जाता है uh, जैसे इससे पहले वाला हमने ये वाला डायग्राम देखा था दिस डायग्राम ऑल्सो इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लैडोग्राम क्लैडोग्राम वर्ड का मीनिंग है इट इज़ अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न नाउ जब थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लैडोग्राम नाउ फाइलोजेनी फाइलोजेनी मीन्स इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब कॉमन एंसेस्टर कौन है उसके बाद कौन आए सो इट इज नथिंग बट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अभी इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस नहीं देखा जाता है कि अभी करंट कैसा है हाउ द ऑर्गेनिज्म इज लुकिंग राइट नाउ इट इज़ नॉट सीन दैट इसमें क्या किया जाता है दिस सिस्टम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन एंड ऑल्सो फोकसेज ऑन दी सिमिलैरिटीज ऑफ दे मेटाबॉलिक फंक्शनिंग मतलब फाइलोजेनी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है एवोल्यूशन के बारे में एंड क्या डिफरेंसेस हैं उनके बॉडी के अंदर के इंटरनल मेटाबॉलिक फंक्शनिंग में सो वी हैव वोज थ्री डोमेन्स एज वेल एज दी मोस्ट करेंटली एक्सेप्टेड क्लासीफिकेशन विच इज़ विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स तो वो इसका थ्री डोमेन्स विच वॉज बैक्टीरिया आर की और यू कैरियोटा एंड विटेकरस फाई किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नाउ डी एन ए बार कोडिंग दिस मैथड इज़ मेथड विच इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीशीज डी एन ए वर्ड आया मतलब इसमें क्या किया जाता है जैसे अभी हम लोग कोई भी पैकेट खरीदते हैं बिस्किट होने दो या मिल्क का पैकेट उसके पीछे बार कोड होता है उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा बैच का और क्या डिफरेंस है वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी डी एन ए सीक्वेंस अलग है ना वॉट इज डन इज़ दैट डी एन ए सिक्वेंस इज़ नोन इस करके इसको डी एन ए बार कोडिंग किया जाता है इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पीशीज़ बेस्ड ऑन इट्स डी एन ए सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन किससे करें बेस्ड ऑन इट्स डी एन ए सीक्वेंस नाउ इससे क्या समझ में आता है डी एन ए बार कोडिंग में क्या किया जाता है फर्स्ट कलेक्टिंग डी एन ए बार कोड डेटा ऑफ नोन स्पीशीज बाद में मैचिंग द बार कोड सिक्वेंस ऑफ दी अन नोन सैम्पल अगेंस्ट दारकोड लाइब्रेरी फॉर आइडेंटिफिकेशन सपोज हम लोग को एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला वी वॉन्ट टू नो वॉट इज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी क्या किया जाएगा जो हम लोग डी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए लिया जाएगा और मैच किया जाएगा अपने सिस्टम के साथ जिसमें अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है बार कोड ना दिस बार कोड हैज़ मेनी एप्लीकेशंस ये सब एप्लीकेशंस है जिससे फर्स्ट वाला ये प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कर सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर आइडेंटिफिकेशन डिजीज़ वैक्टर्स ऑथेंटिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डी एन ए बार कोडिंग टैक्सोनिक कैटेगरीज इसमें क्या किया जाता है इसमें ना अरेंजमेंट किया जाता है कैसे इन प्रॉपर ग्रुप्स अकॉर्डिंग अभी वो प्रॉपर ग्रुप्स को क्या बोला जाता है रैंक और कैटेगरी बोलते हैं एंड कैसे अरेंज करते हैं हायर में हायर मतलब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर रैंक्स और पोजिशन टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन दिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे अभी फिलहाल सबसे हाइस्ट वाला टैक्सॉन कौन है विच इज किंगडम तो एग्जाम्पल इन प्लान किंगडम ईच ऑफ द फॉलोइंग सचेस एनजियोस्पम्स डाई कॉटिलिडोने पॉली पिटाले ये सब क्या है ये एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप को रिप्रजेंट करते हैं तो वेन वी डू क्लासीफिकेशन टैक्सोन का मतलब क्या है इट इज़ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यर देर इज़ एन एग्जाम्पल विच इज़ गिवन हम लोग को ये पढ़ना है जिसमें ये कैटेगरीज है दिस इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर किंगडम डिविज़न इज़ यूज फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज़ यूज फॉर एनिमल्स जो डिविजन वर्ड है वो किसके लिए होता है फॉर प्लांट्स एंड दिस वर्ड फाइलम इज़ यूज फॉर एनिमल्स एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है फाइलम वर्ड Now then there is class, subclass, series, order, family, genus, species. Now these are the two examples. एक kingdom plant का दिया हुआ और एक kingdom animalia का दिया हुआ example. So अभी यहाँ पे ये यह सब definitions हैं ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा। A very simple uh, technique to remember is क्या करता है इसमें? जैसे uh, when we say species, species का definition यहाँ पे है। It is a group of organisms. दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स जैसे ह्यूम्स एक स्पीशीज़ के हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरल कंडीशन में एंड क्या प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स जब भी हम लोग जीनस बोलेंगे तो जीनस मतलब क्या है इट इज़ लार्जर देन स्पीशीज जीनस में क्या होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज बेरिंग क्लोज रिजेंबलेंस टू वन अनदर सो वॉट इज डन इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस

ज दी ऑर्डर और नीचे है फैमिली तो ऑर्डर का डेफिनेशन देना है तो क्या आएगा ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फैमिलीज वैसे अगर क्लास का डेफिनेशन देना है तो इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड सब क्लासेस अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड सब क्लासेस नाउ डिविजन डिविजन इज यूज फॉर प्लांट्स एंड फाइलम वर्ड इज यूज फॉर एनिमल्स यहाँ पे मेंशन किया गया एनिमल्स में फाइलम यूज़ करते हैं एंड प्लांट्स में क्या यूज़ करते हैं डिवीज़न सब किंगडम मतलब क्या होगा इट इज़ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड क्लोज रिलेटेड विच इज़ डिविजन फॉर प्लांट्स और फाइलम फॉर एनिमल्स सो किंगडम किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड सब किंगडम्स मतलब उसमें दो सब किंगडम्स आते हैं जब भी प्लांट्स के बारे में बात करते हैं विच इज़ क्रिप्टोगे एंड फैनरोगामे सो दिस इज़ अबाउट दिस टैक्सोनॉमिक हायरार की लेटस सी हाउ नॉमिन क्लेचर इज गिवन आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने सारे हैं अर्थ पर हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं ये पत्थर है ये गाड़ी है ये झाड़ है ये बॉटल है ये फोन है अपना सो so, दिस ये पेन है ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स वी कैन से इट इज़ बिकॉज सबको एक प्रॉपर नाम है तो नॉमन बहुत ही जरूरी है इंसान को कोई भी चीज़ के बारे में तभी पता चलता है वेन इट इज़ हैविंग अ प्रॉपर नेम सो एन ऑब्जेक्ट विच इज़ नोन टू ह्यूमन इंटेलिजेंस मस्ट हैव अ नेम नाउ नेम इज लाइक मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्पीक अबाउट इट और डिस्क्राइब अबाउट इट सो नॉमन क्लेचर में पहला टेक्निक है वर्नाकुलर और लोकल नेम्स इसमें क्या किया जाता है जो अभी हम लोग कॉमन बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना जो मैंगो है विच इज मैंगी फेरा इंडिका अलग अलग लोग उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं सिंपल एग्जाम्पल विच इज वॉज द मोस्ट कन्फ्यूजिंग वन वॉज दी स्वीट पटेटो जिसको अगर आप मराठी में देखोगे तो शक्करकंद रताड़ू बोलते हैं हिंदी में शक्करकंद बोलते हैं देन uh, uh, कच्चा आलू मीठा आलू देन साउथ इंडियन लैंग्वेज में इट इस कॉल्ड एज कंदम जेनसू सो अ सिंगल स्वीट पोटेटो इज नोन बाय सो मेनी नेम्स ये सब नेम्स को क्या बोला जाएगा दे आर कॉल्ड एज वर्नैकुलर लोकल नेम्स और कॉमन नेम्स सो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है यूरोपियन एंड अमेरिकन गार्डन हैज़ अबाउट फिफ्टी कॉमन कॉमन इंग्लिश नेम्स सो एक जो एग्जाम्पल है जिसका नाम है पैंसी विच इज वायोल आर ट्राई कलर इट इज प्रेजेंट इन बोथ अमेरिकन एंड यूरोपियन गार्डन उसको पचास अलग अलग कॉमन इंग्लिश नेम है फिर यहाँ पे यहाँ पे एक और दिया एग्जाम्पल मैंगीफ इंडिका विच इज़ नोन बाय मैंगो उसके भी इतने मोर देन फिफ्टी डिफरेंट नेम्स है अलग अलग लैंग्वेज में या तो या और जैसे संस्कृत लैंग्वेज है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल सो कॉमन नेम के पास क्या है लिमिटेड यूजेज है बिकॉज जब भी मैं बोलूँ कंदमूल जयनसू सो पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड बट येस वेन इट इज सेट आईपोमिया बटाटास दैट मीन्स इट इज़ दी साइंटिफिक नेम विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड तो लेट अस मूव ऑन टू साइंटिफिक नेम नाउ साइंटिफिक नेम इज़ गिवन बाई साइंटिस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड अभी इसमें ये सिस्टम ऑफ जो नॉमिन क्लेचर है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कार्ल लीनियस उसने कौन सा सिस्टम यूज़ किया बाइनोमियल सिस्टम ये फर्स्ट प्रिंट किया इन इस बुक विच इज़ कॉल्ड एज स्पीशीज प्लांटेरम एंड वॉट वॉज सेटअप वॉज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉम क्लेचर हैज़ बीन सेटअप इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमन क्लेचर टू कन्फर्म साइंटिफिक नेम्स ये क्यू आई है टू कन्फर्म नेम्स नाउ दिस आर द रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम ये सब रूल्स आप लोग को पता होने चाहिए सबसे पहले ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमिनक्लेचर वेन वी से बाई नॉमियल बाय मींस मीन्स टू नाम ना दो वर्ड्स में है अभी जो दो वर्ड रहते हैं उसमें फर्स्ट वर्ड रहता है दो वर्ड्स में रहते हैं फर्स्ट रूल दो नाम जो फर्स्ट नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज देनरिक नेम जिसको जीनस का नाम भी बोला जाता है वो फर्स्ट चालू होता है एंड बिगिनस विथ अ कैपिटल लेटर वेर अज सेकेंड नाम होता है दैट इज़ द स्पेसिफिक नेम विच इज़ कॉल्ड अ स्पीशीज़ का नाम इट कम्स लेटर एंड बिगिन कैसे विथ अ स्मॉल लेटर अभी जो साइंटिफिक नेम है ना वो जो अलग अलग है उनको अलग अलग अंडरलाइन किया जाना चाहिए दे शुड भी अंडरलाइन सेपरेटली एंड जब ये हैंड रिटर्न कर रहे हैं तो दैट टाइम दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स दे मस्ट भी अंडरलाइन सपरेटली और वेन दे आर प्रिंटेड दे मस्ट भी प्रिंटेड इन इटालिक्स अभी उनमें एक कंडीशन दिया गया है दे शुड नॉट हैव लेस देन थ्री लेटर्स एंड नॉट मोर देन थर्टीन लेटर्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैंगीफेरा इंडिका मैंगीफेरा इंडिका विच इज मैंगो इसमें आपको दिखाई देगा दिस फर्स्ट वर्ड इज देशम ऑफ द जीनस एंड ये जो इंडिका है इट इज़ अ नेम ऑफ द स्पीशीज तो जो फर्स्ट एड बिगिनस विथ अ कैपिटल लेटर एंड सेकेंड वर्ड बिगिनस विथ अ स्मॉल लेटर एंड नेक्स्ट इसके बारे में दोनों में मोर देन थ्री एंड लेस देन थर्टीन लेटर्स हैं एंड दोनों को भी अंडरलाइन किया जाएगा सेपरेटली वेन दे आर हैंड रिटन और दे मस्ट भी प्रिंटेड इन इटालिक्स एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजली द नेम ऑफ दी ऑथर जिसने नामकरण किया है जैसे लीनियस uh, ने मैंगीफरांडिका को नाम दिया था तो उसका नाम पूरा लिखा जाता है और इट इज़ प्रिंटेड इन इटालिक्स So over here we can see this is Vitaker 5 kingdom classification. This is Vitaker, which is Rh Vitaker, who has given us the most important classification about the five kingdom. This may first Aiga Kingdom Monera, second Protista, third will be Plantae, fourth is fungi, and fifth is Animalia. Now let us see about the first kingdom, which is Kingdom Monera. इट कंटेन्स इसमें क्या होता है इट कंटेन्स यूनी यूनील्युलर ऑर्गेनिज्म एंड द मोस्ट यूनिक पॉइंट अबाउट दिस इज इट इसमें यूनी यूनीसेल्युलर प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं एंड यूनील्यूलर प्रो कैरियोटिक मीन्स दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विच मीन्स दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नाउ आफ्टर दैट बिकॉज दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस उनमें डी एन ए तो प्रेजेंट है डी एन ए कैसे होता है सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल क्रोमोजोम है विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड मतलब उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है उसकी जगह पर क्या है उनके पास दे हैव अ सर्क्युलर सिंगल क्रोमोजोम विच इज मेड अप ऑफ सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डी एन ए नोन एज न्यूक्लियोइड नाउ स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए एन उसे क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लाजमिड्स नाव सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टीडोग्लाइकेन ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरियन विच इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स सो दे हैव दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ दि सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टीडोग्लाइकैन जिसको म्यूरियन भी कहा जाता है मोनेरा इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल दिस आर एब्सेंट एंड देयर राइबोसोम्स आर स्मॉलर देयर राइबोसोम्स 70s वेयर इज इन यूकैरियोटिक व्हेन वी विल बी सी दे विल बी हैविंग 80s राइबोसोम तो इनका राइबोसोम स्मॉलर है 70s देयर रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल और विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन और बडिंग

And like almost a comma type we will call them as Vibrio. And when they are rod shaped they are called as Bacillus. And when they are spiral that time it is spirillum. Example is Spirochete. Now they can stray in extreme environment. Hence they are called as Extremophiles. Now extreme environment may they can withstand high salinities. That is why they are called as Halophile. They can also withstand extreme temperature, that is why they are called as thermophiles, and one which are remaining, which are present in the gut of the ruminant. They are methanogenic bacteria. Example is cows and buffaloes. So U bacteria is the second one in this monera only. In this monera, first we had was archibacteria, and second one is about the monera. So we had two which is archibacteria and monera. Now, when we say U bacteria, U bacteria, they are also called as true bacteria because they have a cell wall which is made up of peptidoglycan. Now the examples which we they can be autotropes like photosynthetic one, which is chlorobium, and chromatium, which is chlorobium, is green sulfur bacteria, and chromatium is purple sulfur bacteria or chemosynthetic like sulfur bacteria. Then here we can see that they are mostly multicellular filamentous, and uh, they are, they have the presence of genetic material which is typically prokaryotic. They have got various photosynthetic pigments which is chlorophyll a, b, carotenes. Now, in this we are going to see they can be uh, they are most abundant. And most of them are decomposers because they are bacteria. So, they are known for decomposing large molecules in simple molecules or minerals. So, the examples for them over here it is mentioned they can be Lactobacilli, Azatobacter, Streptomyces. So, these are our useful bacteria. Useful bacteria like Lactobacillus in curdling of milk, who fixes nitrogen, is Azatobacter. Antibiotic production is Streptomyces. But here they have mentioned the ones which are pathogenic, which are disease causing. They have a very unique characteristic, which is the presence of heterocyst for nitrogen fixation. Next one is the mycoplasma in this category of Monera. They are the smallest, they do not have a cell wall, and they are pathogenic. And they are resistant to antibiotics because they do not have cell wall. So, because they do not have cell wall, they, they cannot be killed by antibiotics. Now, we start with the second kingdom, which is kingdom protista. In this kingdom, protista, we have plant like protista, animal like protista, and fungi like protista. These plant like protista are called as chrysophytes. नाउ दे एग्जाम्पल ऑफ दिस दे आर are टू to as बिकॉज because their बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ टू सोप लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स जैसे दो साबुन के ढक्कन आपस में बंद होकर लॉक हो जाते हैं वैसे ये भी दिखता है सो देआर बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ टू सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स एंड इट इज कॉल्ड एस डा अर्थ विच इज ग्रैन्युलर एंड हिन्स इट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन एनिमल लाइक प्रोटिस्टा दे आर ऑल्सो टर्मड अस प्रोटोजोवन्स दे आर वेरी प्रिमेटिव जिसमें अमीबोइड रहेगा तो अमीबा है एंड दे आर लोकोमोटरी ऑर्गन इज सूडो पोडिया देन वी हैव द एग्जाम्पल उसमें एंड अमीबा है देन वी हैव फ्लैजुलेटेड वन विच इज हैविंग अ फ्लाजुला दी एग्जाम्पल इज ट्रिपानोजोमा देन वी हैव पारामिशियम जिसमें सीलिया है फॉर लोकोमोशन एंड दी एग्जाम्पल फॉर देट इज पारामिशियम so the one which is producing spores is another one which is called as plasmodium plasmodium which example plasmodium vivax which is causing malaria now after this we are going to see in this uh, dinoflagellates after animal like protista we have got dinoflagellates the name dinoflagellates because they are aquatic mostly marine and it is made up of cellulosic stiff plates they have a pair of flagella they can be which color yellow green blue orange or red example is goniolox which is a dinoflagellate it was responsible for formation of the famous red tide which is making the sea appear red so here the flagellas are given this is the flagella which is given and uh, here these are the plates which are being shown now fungi like protista they are fungi so their group is called as mixomycetes now they aggregate and form a large cell mass which is called plasmodium it is not the plasmodium of malaria it is just their aggregate of cell mass is called as plasmodium now the spores produced by them are very tough and they survive in extremely harsh conditions so euglenoids is the last one in kingdom protista they lack cell wall but they have a tough covering which is made up of proteinaceous pellicle. So they do not have a cell wall, but instead of cell wall, they have a proteinaceous pellicle. Now you can see they have two flagella, which is present over here. One is short, another one is long. And when there is presence of light, that time they are performing photosynthesis. And when there is absence of light, they are behaving as heterotrophs. So they can be photosynthetic in the presence of sunlight. And in the absence of sunlight, they are heterotropic kingdom plantae we have already seen in this in the chapter on kingdom plantae that they are autotropes and um, these members they are mainly divided into two major groups which is cryptogams which is non-flowering plants and phanerogams which is flowering plants the most unique point about kingdom plantae is they have cell wall which is made up of cellulose and they show alternation of generation next is kingdom fungi they are showing extracellular digestion which means they break down the complex materials into simple outside the body and then absorb them the meaning of extracellular digestion means they break down complex substances outside their body and then absorb them now they can be unicellular or made up of long thread like structures called as hyphae now if we see this this is called as mycelium, which has got thread like structures called hyphae. And here we have the sporangium. This is the example of the kingdom fungi. Now, when they are unicellular, which is having many nuclei, example is Rhizopus and Saccharomyces. Example is Rhizopus and Saccharomyces. After that, we have many filamentous fungi which is having a body called as mycelium. This I had drawn, this was the mycelium. These thread like structures are called as hyphae. This hyphae can be with the septa or without septa. Now, what is septa and without septa? If this is hyphae and these are the lines which are present, so this first one is with septa and this is without septa. नाओ द नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे इज कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाईफे मीन्स इट इज़ नॉन सेप्टेट इसमें सेप्टेट नहीं है जिसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाईफे इज कॉल्ड द कोइनोसाइटिक हाइफे नाव दे आर हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर साप्रोफाइटिक बिकॉज दे फीड ऑन डेड एंड डीकिंग मैटम नाव दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली एज वेल एज सेक्शुअली ए सेक्शुअल रीप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सम फंगाई आर सिम्बायोटिक वेर एस जैसे एग्जाम्पल देंगे माइकोराइजा विच इज लिच इन विच इज़ लिविंग इन क्लोज असोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लाट्स फंगाई हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है जैसे एग्जाम्पल है मशरूम विच इज कॉज विच कैन सी दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल फर्स्ट हम लोग यूजफुल वाले देख रहे हैं जैसे एज फूड मशरूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्री न्यूट्रिशनल फूड विच इज़ हाई इन न्यूट्रिय कंटेंट ईस्ट को यूज़ किया जाता है इन बेकरी एंड ब्रूवरीज फॉर मेकिंग एल्कोहॉल इन बेकरी बेकरीज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक्स पेनीसिलियम इज़ यूज फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन सो दीज आर द यूजफुल वन जो हार्मफुल फंगा है दे आर कॉजिंग डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जाम्पल इज पुसनीसिया पुसिनिया एग्जाम्पल इज

So they are aseptate, multinucleated hyphae, that is why they are called as coinocytic hyphae. So they are fungi, so they are living in damp habitats on decaying matter as well as in aquatic habitats. The example for them is mucor and rhizopus. So here you can see this sporangium is present, which has got spores. These are the hyphae which are present. Then the next one is Ascomycetes. by Asco? Because they are called sac fungi now they have branch and septate hyphae now example for them is morels and truffles now and uh, neurospora is also an example uh, is of ascomycetes now aspergillus penicillium claviceps neurospora saccharomyces these are the example of ascomycetes basidiomycetes scobeciduquevolte basidio because they are called as club fungi now they are branched septate hyphae example is agaricus next is ganoderma usteligo and pusinia these are the examples of basidiomycetes fungi next is the deuteromycetes they are called as imperfect fungi why they are called as imperfect fungi because they are the only ones which are known to reproduce asexually And example for this is alternaria and uh, coleotrichum now next one over here we are going to see about the last kingdom which is kingdom animalia when we say kingdom animalia they are heterotropes, which are completely adapted to holozoic nutrition they have the capacity for locomotion they do not have cell wall they do not have chlorophyll they have other cell organelles growth is determinate which is following a specific pattern we would be studying that in details in chapter kingdom animalia so viruses viroids they are the groups which could not be placed in Vitaker's five kingdom classification because these viruses they had no place in Vitaker five kingdom classification they are not included so viruses are nothing but they are having either dna or rna but they cannot be having both so they can com 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 comprise of single-stranded dna, double-stranded dna, single-stranded rna, or double-stranded rna. viruses are called as virus because they are venom or poison, and this word was given by uh, bichernik, and uh, they are infectious, soluble agent, hence they are called as filtrate or as contagium vividum fluidum. this is the word which is given to them, because they are infectious, soluble agent they lack their own cell machinery they have a outer protein coat which is called as the capsid so this is the outer protein coat which is called as capsid and this capsid it contains the genetic material so they are inactive outside the body of the host

सो so, इनमें होता क्या है दिस आउटर प्रोटीन कोट विच इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड इसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स दिख रहे हैं आपको देखो ये सब यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज कैप्सोमर्स वॉट आर दीज यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमर्स एंड दे कैन बी पॉलीहेड्रल और हेलिकल फॉर्म द जेनेटिक मटीरियल इन वायरसेस इज आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए और डबल स्टैंडर्ड आर एन ए और डबल स्टैंडर्ड डी एन ए और सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए वायरस किसको इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस इज विच अफेक्ट बैक्टीरियल सेल दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियो फाज सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियो फाज फाज मीन्स अ वायरस विच इज़ इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया हेंस द नेम बैक्टीरियो फाज विच इज़ हैविंग अ डबल स्टैंडर्ड डी एन ए सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस रीजन इज़ द हेड देन यर इज द कोर एंड दिस इज द कॉलर एंड देन दिस आर द टेल फाइबर्स दीज आर द टेल फाइबर्स एंड ओवर यर वी हैव द बेस प्लेट नाउ वायरसेस से क्या होते हैं प्लांट्स में अलग अलग डिजॉर्डर्स होते हैं लाइक लीव कर्लिंग येलोइंग मोजैक फॉर्मेशन ना यू कैन सी इन एनिमल्स दे हैव फुट एंड माउथ डिजीजेस और स्वाइन फ्लू विच इज सीन इन पिग्स और बर्ड फ्लू सीन इन चिकन एंड हेंस विच आर वायरल डिजीजेस इन ह्यूमन्स वी कैन सी स्मॉल पॉक्स मम्स हर्पीज विच आर हेल्प टू कॉमन कोल्ड वायरसेज आर पॉजिटिव एजेंट for many diseases in humans so the most deadly disease which is the aids is also caused because of virus which is hiv human immunodeficiency virus the difference between virus and viroids viroid is nothing but example given is pstv which is potato spindle tuber viroid pstv potato spindle tuber viroid now, what is the difference is they lack this protein coat, the outer protein coat which was present over here, they lack this outer protein coat which is called as capsid. So, they do not have this capsid, so that is why it is said to be they have the two lacking of they do not have the outer protein coat. Now, they are low molecular weight because are, uh, their structure is smaller, outer capsid is not there. These are infectious RNA strands which are called as viroids they are containing genetic material as rna now next is the symbiotic association which is about the lichen when we say lichen it is nothing but the association of algae and fungi algae and fungi together make up the lichen which means the algae is called as phycobiont and uh, fungi is called as uh, cyanobiont or it is called as uh, mycobiont the fungal member is called as mycobiont now here we can see in this fungi uh, the association is intense and it is difficult to identify them as separate living beings they are found in extreme environment like snow clad poles lichens are sensitive to pollution so that is why you will never found, find them in cities because they are good indicators of pollution they help to control the pollution because they will grow only in those places where pollution is quite under control. Now, with this, we are finishing our topic of lichens. Now, lichens are nothing but remember one last point about this lichens. This is the example of lichens, and in we can see this lichens are also further classified into different types based on the type of lichen which can be crustose folios or fruticose folios or fruticose crustose folios or they are called as fruticose the one which you can see in this figure it is like a crust so that is why it is called as crustose they are thin flat that is why it is called as crustose lichen so these are the types of lichens with this we complete the chapter wherein we had seen the classification the about the organisms we have seen the vitaker five kingdom classification monera protista fungi plantae animalia and then the group which was not placed by vitaker which was the viruses and last we have studied a symbiotic association between algae and fungi, which was called as the lichen. With this we complete this chapter. So please stay tuned with Study Life for more chapters. Thank you.